अल्लाम लूस्टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खदमत में हम लोग अखबार पढ़ते हैं और खबरें पढ़ने के बाद हम लोग जाते हैं कॉलम की तरफ अगर कॉलम अच्छा हो तो अखबार का मज़ा आता है और अगर अच्छा लिखने वाला हो तो फिर और लुफ आता है आज लूस्टाक में मैंने एक कॉलम निगार को बुलाया है आपके बारे में लोग कहते हैं कि हालात हज़रा पर आप गहरी नज़र मुलाकात करते हैं अपने मेहमान से शार। 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 आप हालात हजरा पर गहरी नजर रखते हैं आप हरात हाजरा असल में ये ना हालात बदल ना हालात बदलें ना हाजरा बदल रहे और ना हम बदल रहे वाह 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 वा. वाह 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 कंस्ट्रक्शन देखिए कंस्ट्रक्शन ना हालात बदल रहे ना हालात बदल रहा है और ना हम बदल रहे हैं हा 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 कंस्ट्रक्शन देखिए आप शायद अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। शायद है क्या मतलब है वाणी मीन भाई शायद तुम मतलब तू कह दो मैं लिखना छोड़ दूं नहीं नहीं शायद नहीं तू कह, कह दो कह दो कि मैं लिखना छोड़ दूं मैं छोड़ देता हूं

अब वहीं आप आके पूछे आप कॉलम लिखते हैं और तो क्या करता हूँ मैं उसके अलावा इसके अलावा मैं क्या करता हूँ मना कर दो कि ना लिखे, मैं नहीं नहीं लिखूंगा मेहमान अजीज 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 कितना कोई शराय नहीं है कंपेयर मैं कॉलम तो कोई वो नहीं है बताया मेहमान को बुला रहे मालूम है अभी ऐलान किया किस किस तरफ ऐलान किया उधर दे देख के ऐलान किया कि मेरे मेहमान यहाँ कलम नवीस अब उससे कहे आप शायद कॉलम लिखते हैं क्या कर रहे हो सर, तंस नहीं, कर रहे हो नहीं नहीं, नहीं मैंने ऐसे ही पूछा आप कॉलम लिखते हैं अगर आप कहते जी हाँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं 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 क्या मतलब लिखते हैं? शायद, आप शायद कॉलम लिखते हैं बस शायद क्या, मतलब है? क्या कोयला का कारोबारी हूँ कोयला कोयला बेचता हूँ क्या करता हूँ नहीं नहीं चले ना मैं इस वजह से कह रहा था सर कि बहुत से लोगों को आपके कॉलम पर एतराज होता है कि आप जिस खबर के बारे में कॉलम लिखते हैं हाँ? आप उसकी तहकीक नहीं करते किसको एहसास एतरा, होता है किसको बहुत से लोगों को पेन दो पेन दो क्या पेन दो पेन पेन दो क्या कलम दो कलम, कलम। कल... क्या क्यूं? कलम दो कागज़ दो क्यों नाम लिख के बताओ कौन लोग है जो कर है। नाम लिखो लिख के बताओ ऐसी ना कुछ लोग एहज कर रहे हैं कौन नाम लिख के दो वो जाहिर ना माकुल ना हिंजार बेकार किस्म के लोग तुम ऐसे लोगों में उठते बैठते क्यों हो क्यों ऐसी कमी रखी हुई है सर अगर वो लोग एक दो होते तो मैं उनके नाम बता देता हजारों की तादाद में है वैसे आप आजकल क्या लिख रहे हैं आजकल मैं नाटो की फौज के ऊपर कलम लिख रहा हूँ नाटो की फौज नहीं सर... पाकिस्तानी नाटो नहीं सर नाटो नैटो नाटो का क्या मतलब है नाटा का मतलब है छोटा छोटा ना तो थोड़ी फौज आई है इसलिए मैंने नाटो का सर ये मैंने लिखा था कि नाटो की फौज को यहाँ आना नहीं चाहिए था सर नाटो नाटो चले क्यों आई है फौज क्यों आई है ये आई है यहाँ हाँ जलजला जदागान की मदद करने हाँ और ये जनवरी में वापस चली जाएगी हाँ। ये क्या तो कि, कि जनवरी में वापस चली जाएगी अबे मा, माफ करना भाई न, नाटो जो है ना नाटो ये जाने के लिए नहीं आती ये जाने के लिए नहीं। और देखो शर्म की बात है कि हमारे पोशीदा मकाम भी उन्होंने देख लिए क्या मतलब हमारे वतन के पोषित हाँ तो तो वतन में आई ना ना तुम कोई मुझ पे आके उतरी है क्या वतन के पोशाला मकाम देखे थे ना सर मजबूरी थी वो इमदाद कर रहे हैं वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हम लोग नहीं जा सकते वो सब मदद कर रहे हैं और इस अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे वजीर अजम मोहतरम शौकत अजीज़ ने भी कहा है कि जनवरी में नेटो की फौज वापस वा फिर देखो तुम फिर वादा कर तुम मैं मुसलसल नाटो 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 कह कह रहा तुम तुम रहे हो काबिल ज़्यादा तू है है मैं मैं ना ये ये, ये, ये ना ना तो फौज वापस जाएगी। हमारे वजीर आजम साहब ने क्या कहा था वजीर आजम साहब ने तो भी बहुत सही बातें की है क्या उन्होंने एक तो यह कहा मुस्लिम को नहीं है कहा कि नहीं कहा

लू में इसलिए बुलाया था किसे बता था कि हालात हाजरा पे आप गहरी नजर रखते हैं ना हालात बदल रहे ना हाजरा बदल रहा है और ना ही पहले कह चुके हैं ये गोल्डन वर्ड नहीं, 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 नहीं है जो रिपीट में हो सके गोल्डन वर्ड नहीं है आप मुझे बताएं हुँ? कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सदर पाकिस्तान है ना अपने जी हाँ सदर जनरल को देखो उन्होंने पाकिस्तान दावत दी है ना उनको आने की रानी मुखर्जी को जी हाँ रानी मुखर्जी को दावत दी है ना उन्होंने वहाँ जी जी का तो हर दूसरा आदमी मुखर्जी है क्या मतलब एक बात करते हैं उसमें मुखर्जाते तो रानी मुखर्जी को बुला किसी को बुला देते भाई रानी मुखर्जी फिर कहते हो कि शायद आप कॉलम लिखते हैं

वजह शौकत अजीज ने बयान दिया कि हम चारों को लेकर बात कहेंगे सर वो उन्होंने कालाबाग डैम के बारे में बात की है कि हम कालाबाग डैम के बारे में उसको बनाने के बारे में पहले चारों सुबह हेडलाइन पढ़ी थी और सिर्फ हेडलाइन पढ़ के आपने तब से रखा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है खैर मिलते हैं जी वक्फे के बाद

आप वो वो मुझे कुछ बोलो वक्फे के दौरान आप बहुत बदतजीबी से पेश आए हाँ मैं तो वक्फे के ब, ब, बाद में पेश आ सकता हूँ नहीं तो एक होती है एक घर से आदमी तमीज सीखता है वाले सिखाते हैं तमीज़ छोड़े छोड़े इन बातों को मुझे पता है कितनी तमीज़ आती है तुम्हें कितनी तमीज़ आती है पता है

नहीं तुमने क्या कहा अभी मैंने कुछ नहीं कहा आपने कहा इस मुल्क में जिस चीज की मुमानियत है वही हो रही है हो क्या मतलब सेना असेंबली में देखो रोजाना शराबा रोजाना शराबा रोजाना शराबा सिर्फ शोर शराबा आप सिर्फ शराबा कह रहे हैं जब मालूम है तो मत बोला को पहले शराबा आता फिर शोर होता है और जब सिर्फ मत पहले शराबा आता उसके बाद में शोर होता है काबाग दान बनेगा पहले शाप आता है फिर शो आता है इस तरह की मत करें। नहीं जो मैं बता रहा हूँ इस तरह की हरकतें तुम जैसे लोगों <laughs> को प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है तुम्हारी समझ छोड़ी है पहले शाब आता है फिर शो आता है अभी तक मैं बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ कर बदतमीज करके कर देखो नहीं, नहीं कर सकते तुम एक दफा जिंदगी में यह हरकत करके कर कर देखो में तुम करो तो पूरे पाकिस्तान को दिखाऊंगा की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से कैसे दिया जाता है बात करो। मैंने आपको बुलाया था। अपने प्रोग्राम में। किस लिए? कि आपकी हालात हाजरा पर बहुत गहरी नजर ना, है। कह है, फिर कह ना, ना हाजरा बदल रहा है ना बदल रहा है ये आप दो प्रतभा पहले कहें उसमें गहरी नजर तो क्या नजर भी करूंगा ये जो कॉलम निगार होते हैं कौन होते हैं कॉलम निगार आम से बात को। आम से इससे आराम से मैं बात नहीं कर सकता ये जो कॉलम निगार होते हैं ये हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं अच्छी बातें भी हो रही हैं पहली मरतबा अट्ठावन बरस हो गए इस मुल्क को बने हुए एक हुकूमत तो ऐसी आई कैसी आई जो तालीम पे जोर दे रही है उम्र में अगर तुम उससे बड़े ना होते ना मैं तुम्हें थप्पड़ मारता अगर कोई और होता ना छोटे उम्र का होता मैं थप्पड़ मारता उसको क्या कहा क्या कहा तुमने हुकूमत कर रही है अट्ठावन बरस हो गए पाकिस्तान को बने हुए हाँ हो गए पहली हुकूमत ऐसी आई है जो तालीम पर जोर दे वाह वाह बिलकुल बेगुल तो दे रही है तालीम पे मैंने देखा अखबार में फोटो देखा वजीर शौक गवर्नर सिंह डॉक्टर पढ़ने नहीं गए थे बेवकूफ़ समझावा क्या तुमने इस कौन को बेवकूफ़ समझावा क्या? क्या देख लेना कुछ दिनों बाद यह सच्चाई सामने आ जाएगी ये तीनों तुम्हें यूनिफॉर्म में नजर आएंगे आपको कॉलम लिखने के बजाय कोई और काम करना चाहिए पार्लियामानी कमेटी को जब तक पूरे एहतियात नहीं मिलेंगे उस वक्त मुझे कॉलम लिखने से कोई रोक ही नहीं सकता बताओ और वो सुभाष गई पाकिस्तान आए और सदर साहब यमन को सऊदी अरब के दौरे पर चले गए और फिर कह रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती हो रही है माफ, माफ कीजिएगा हाँ नहीं कोई डोंट माइंड हाँ? नहीं, नहीं, नहीं नहीं। कोए हाँ, तो बहरेन और सऊदी अरब के दौरे पे चलेगा फिर क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान में दोस्ती हो रही है इन दोनों का सदर साहब से कहता है ये दोनों जो है हिंदुस्तान के बहुत नामचीन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े बहुत बड़े नाम, डायरेक्टर ये दो, बात और हिंदुस्तान से अगर फिल्में निकाल दो तो क्या रह जाता है मैं तो कहता हूं कश्मीर का मैटर जो है वो उसका फैसला हिंदुस्तान की हुकूमत तो करेगी नहीं अब हमें फिल्म वालों से बात करनी पड़ेगी किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप मैं जिस किस्म के हालात है उसी किस्म की बात कर रहा हूं अभी कुछ दिन पहले मैंने कलम लिखा था मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा हो गया मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा नहीं है झगड़ा है मुस्लिम लीग नून में यही झगड़ा तो है। है अब नून के जो जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है इकबाल झगड़ा और लोग समझे मुस्लिम लीग काफ में झगड़ा हो गया नो मुस्लिम लीग नून में मुस्लिम नून में झगड़ा हो गया वो लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं हो रही मैं है। कहता हूं मैं कहता हूँ नहीं आपसे मैं बात ये जिम्मेदारी मुझे दे दो तुम बहुत थके हो गए। नहीं लेते एक वफा दूसरा भी खत्म हो गया और उसके बाद जो है वो नाटो की फौज यहां से नहीं गई भाई नाटो गलत है ये तो अल्लाह तो पहली दफा तुम्हें सही बोला है कि नाटो गलत है जब गलत है तो यहां से कह क्यों नहीं

और ये तुम्हें क्या जहाज का सवाल किया तालीम हासिल की है कंपेयरों को यह बात आती है कि जब उनके पास सवाल खत्म हो जाते हैं तो अच्छे सवाल उतर आते हैं तालीम हासिल किया आपने ये सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है इसका जवाब देने में हर्ज है लोग मछली खरीदने के लिए सिंध असेंबली जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं मछली खरीदने के लिए सिंध असेंबली इसलिए कि सिंध असेंबली मछली बाजार बन गया है और तुम आप प्रोग्राम में बैठ गए एक आदमी से पूछ रहे से पूछ रहे हो आपकी तालीम कहा सवाल निकालो कोई सवाल बनाओ कोई सवाल नहीं आ रहा सवाल तो मैं बताता हूं जल्जले के बारे में कोई सवाल करो उससे बड़ा जलजिला एक और आ चुका है कौन सा मैंने तुझको अपने प्रोग्राम में बुलाया आया ना उतर आया ना तू तो अरे मेरा कॉलम जो है ना वो खुद जलजले से कम नहीं है बड़े बड़ों को हिला के रख दिया है मेरे कॉलम को अगर रेक्ट स्केल के ऊपर अगर तुम चेक करोगे तो उसकी शिद्दत ग्यारह पॉइंट असाइया निकलेगी किस सियासी जमात को आप सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी को आर्मी सियासी जमात नहीं है अखबार में आ गया इस्लामा शिफ्ट हो रही है तो इसमें कहाँ से जमात हो गई जब सियासतदान काम ठीक नहीं करते हैं मजबूरन आर्मी आती है और वो सियासी जमात नहीं होती किसको तो हो समझा रहे हो थोड़े दिनों के लिए आती है मुझे समझा रहे हो अपना काम मालूम है फिर बहुत दिन रुक जाती है फिर चली जाती है आप जैसे लोगों की वजह से आर्मी यहाँ पावर में आती है अच्छी एक साफी है मतलब एक बात भी आपने कायदे की नहीं की मेरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है मेरा प्रोग्राम खत्म होने वाला है नहीं होता। क्या मतलब यहाँ पर कोई एक बताओ जिसे अपना प्रोग्राम वक्त के मुताबिक खत्म कर दिया हो कुछ नहीं होता बैठ चलता रहेगा प्रोग्राम टॉकिंग बातें कर रहे हो तुम भी तुम भी तुम वहां से नहीं उठूंगा मैं भी यहां से नहीं उठूंगा दोनों बैठे रहेंगे बातें करते रहो कैसी बात कर रहे हैं आप वैसी बात कर रहा, रहा हूँ जैसे तुम सवाल कर रहे हो नहीं आप गलत बुलाया मैंने आपको मतलब तो मैं चला जाता हूँ मैं नाजरीन से माफी मांगा आप मांगो मांगनी चाहिए तुम्हें एक कैलेबर के आदमी को बुला के बात कर रहे हो मुझसे बात करने के लिए एक का आदमी चाहिए लेवल होना चाहिए उसका लेवल माफी मांगो अपना लेवल देखा माफ़ी मांगो अपना लेवल देखा है कहां तक आ रहे हो ये कुदरती लेवल है हां ये कुदरती लेवल है इसे मत जाओ कुदरती लेवल पे नहीं जाओ छुटका हैं आपको नहीं कहा मैंने ना दो तो। तुमने मुझे छुटका कहा मैंने तुम्हें नाटो तो कहा चलिए आपकी मर्जी मैं आपसे क्या कह सकूं नाज़िर मैं क्या करूं इनको मैंने बुलाया था कि हालात हजरा पे इनकी बहुत गहरी नजर है ना हालात बदल रहे हैं ना हाजरा बदल रहा है और ना ही हम बदल रहे हैं बोलो रिपीट करो गोल्डन वर्ड ये रिपीट करो इनको ना हालात बदल रहे हैं ना हाजरा बदल रहा है ना, ना हम बदल रहे हैं ये सबक है एक अब हम प्रोग्राम बदलते हैं दूसरा प्रोग्राम देखिए इजाज़त दीजिए